नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईएमडी क्या होती है। व्हाट इज ईएमडी, ईएमडी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईएमडी का फुल फॉर्म है इस्टिमेट मनी डिपॉजिट। ठीक है, आपको किसी भी टेंडर को फिल करने से पहले ध्यान में होना चाहिए कि इसकी ईएमडी कितनी है। ठीक है, और किसी भी टेंडर को करने के लिए आपको ईएमडी की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको ईएमडी पे करना ही होगा। ठीक है, ईएमडी का अमाउंट कितना होता है, तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है रेलवे रेलवे डिपार्टमेंट में आपको 3% ईएमडी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आईओसीएल के अंदर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर, आपको 2% ईएमडी देना पड़ेगा। इससे अगले पॉइंट में मैंने बताया है कि पीडब्ल्यूडी एंड अदर डिपार्टमेंट में आपको 1% ईएमडी देना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग भी हो सकता है, 0.5% से लेकर 2% तक हो सकता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ईएमडी कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसके लिए ईएमडी फुल एग्जाम्प्टेड होती है, मतलब आपको ईएमडी नहीं देना है। ठीक है, वो लोग कौन कौन होते हैं, तो वो लोग होते हैं एमएसएमई बिडर। तो आपको मैं बता दूं एमएसएमई कौन होते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब जो सूक्ष्म कैटेगरी के जो बिडर हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, वो लोग ईएमडी के लिए फुल एग्जाम्प्टेड हैं। मतलब उनको ईएमडी 0 रुपए देना होगा, कुछ भी नहीं देना होगा। उन्हें अपना सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना है, वो वहां पे डाल देना है, और उनके लिए ईएमडी कुछ नहीं है, 0 रुपए है। आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रोप्राइटर होते हैं जो अभी, जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया है, उन लोगों के लिए कंपनी ये प्रोवाइड कराती है कि आपको ईएमडी नहीं देना है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। इसके अलावा ईएमडी की रिटर्न प्रोसेस क्या होती है, मतलब ईएमडी आपने पे तो कर दिया। मान लो किसी टेंडर का प्राइस है 3 लाख रुपए है, उसका एस्टिमेट 3 लाख रुपए बना है, तो उस पे आपने 10,000 रुपये ईएमडी दे दिया है। लेकिन यदि आपके टेंडर नहीं आया, तो आपको वो 10,000 रुपये कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये ईएमडी रिटर्न किसके लिए होता है, जो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जो बिडर या जिस बिडर का क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन उसके बिड लास्ट में निकल नहीं पाता है, तो वो लोगों के लिए ईएमडी रिटर्न हो जाता है। मतलब जिनका अभी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को ईएमडी वापस दे दिया जाता है। ठीक है, ये ईएमडी का प्रोसेस 15 से 20 दिन के आसपास का होता है, इतने दिन में आपको ये वापस मिल जाता है। ईएमडी रिटर्न फॉर सक्सेसफुल बिडर, जो बिडर सक्सेसफुल हो गया है, जिसको टेंडर अलॉट हो गया है, उसको कब मिलेगा ईएमडी, तो उसका प्रोसेस है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी आपने आपने काम को खत्म कर दिया है, उसके बाद में इंजीनियर्स लोग वगैरह चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है, आपने कुछ घपला किया है, ऐसा कुछ होगा तो आपको ईएमडी नहीं मिलेगा। और यदि आपने काम को सक्सेसफुली एकदम सही तरीके से, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपने सही तरीके से किया है, तो आपको काम खत्म होने के बाद आपको ईएमडी रिटर्न कर दिया जाएगा। ईएमडी नॉट रिटर्न फॉर हुज बिडर हु इज नॉट कंप्लीटेड वर्क एज पर टेंडर टर्म्स एंड कंडीशन। इसका मैंने आपको ऊपर मतलब बताया है कि जिस लोग ने ढंग से काम नहीं किया है, जिस बिडर ने ढंग से काम नहीं किया है, उनको ये रिटर्न नहीं मिलेगा। ईएमडी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ईएमडी नॉट रिटर्न, उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो ईएमडी उनके लिए वो कंपनी द्वारा रख लिया जाता है। ठीक है, यही सब होता है ईएमडी के अंदर। और इसके ईएमडी के बारे में यदि आपको कुछ और सवाल पूछना हो, तो आप मैंने यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ सबसे नीचे नीचे मैंने ईमेल आईडी दिया है, विनायक कंस्ट्रक्शन JJN@gmail.com। इस ईमेल पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वहां पे मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इंडियन ऑयल में टेंडरिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। इसलिए आपको यदि कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख रखा, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तो आप कृपया करके मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको सभी
टेंडर से रिलेटेड सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे उधर बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ वो आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।